हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तीन अहलकारों की हालत नाजुक, CMH मुंतकिल। वजीर आजम एयर ब्लू के वायदे के लिए बरतानिया गए, शहबाज शरीफ भी लंदन बैठे हैं। अर्जा का अकामा निकल आया, वजीर खजाना बिस्तर मर्ग पर पड़े हैं। इमरान खान की चित्राल में मीडिया से गुफ्तगु, कहते हैं कबल इस वक्त इंतखाबात जमहूरियत का हिस्सा हैं। कप्तान गर्म चश्मा में जलसा गाह पहुंच गए, कुछ देर में खिताब करेंगे। कमर जमान कायरा का कहना है कि नवाज शरीफ ना अहल हो गए, मुफाहमत नहीं हो सकते। मुल्क में जमहूरी निजाम मियां साहब के हक में नहीं, वो बचाव के रास्ते की तलाश में है। जो फारूक सत्तार जो ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं, ये आई वॉश कर रहे हैं, हुकूमत की किसी भी ना पर क्या आवाज लगा सकते हैं, मुझे सोच के बताओ पाकिस्तानियों। सबसे बड़ा नुकसान महाजिरों को PSP की वजह से होगा। मुस्तफा कमाल और फारूक सरा आइंदा मिलकर चलने का ऐलान, लेकिन गले मिलने के बाद भी रंजिशें दूर ना हुई। मुस्तफा कमाल ने कहा नई सियासी जमात का नाम MQM नहीं होगा। फारूक सत्तार कहते हैं MQM पाकिस्तान खत्म नहीं हो रही, सिर्फ सियासी इत्तेहाद किया है। शर्जील मेमन कहते हैं MQM और PSP का इत्तेहाद मस्तूई है, साथ चलेगा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं मुत्तहिदा और PSP ने अपने मफाद के लिए इत्तेहाद किया। MQM पाकिस्तान की कई पतंगे कटने को तैयार, क्या मुत्तहिदा और PSP में इख्तलाफात अब भी बाकी हैं? कराची और अंदरूनी वोटर्स तजबजब का शिकार। चकवाल के इलाके ढोक पठान में मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बाइस पुल से नीचे जा गिरी, 25 अफराद जां बहक, 69 जख्मी, कई की हालत तश्वीशनाक। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हाफिजाबाद मोटरवे M2 और 3 ट्रैफिक के लिए बंद, चीचा वतनी बोरेवाला समेत कई मुकामात पर हद निगाह सिफर। रहीम यार खान में गुड्डू थर्मल पार्क के कई फीडर स्ट्रिप, धुंध के बाइस हाफिजाबाद में मुतादित गाड़ियां टकरा गई। शदीद धुंध में करे सफर से गुरेज, भारतीय शहर आगरा में धुंध के बाइस 18 गाड़ियां आपस में टकरा गई, एक शख्स हलाक, मुतादित जख्मी हो गए। शायरे मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल 140वां यौमे विलादत, गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वजीर आला शहबाज शरीफ और सूबाई काबीना के अरकान की मजार इकबाल पर हाजिरी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रिंग मजार पर फातिहा खानी की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बित आगाज, 100 इंडेक्स 570 पॉइंट बढ़ गया, 41,800 की हद बहार। शहरी इक्तदार में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स बराजमान, जुड़वा शहरों के आवाम के लिए सड़कों पर सफर दर्दे सर बन गया, गाड़ियों की तवील कतारें रोज बन गईं। सऊदी अरब इलाकाई रियासतों के लिए मसाइल पैदा न करे, पहले अपने मसाइल हल करे, ईरानी सदर हसन रूहानी का तंबी, कहा बासर ताकतें भी ईरान का बाल बीका नहीं कर सकती। सऊदी अरब में करप्शन इल्जामात पर मजीद गिरफ्तारियां, मुंजमित बैंक अकाउंट्स की तादाद 1700 हो गई। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद में खरबपति शहजादा तलाल बिन वलीद भी शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग